बैक गाइस इज न्यू व्लॉग गाइस। आज का व्लॉग एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिसकी जितनी बातें करें वो कम है। तो आज हम जा रहे हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पे। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ, लेट्स गो। टिकट यहाँ से हम टिकट लेके अंदर आएंगे, अंदर की तरफ चलेंगे कायदे आजम की मज़ार के अंदर। तो हम आपको दिखाते हैं, यहाँ ये है उनका पार्क। यहाँ पे जब 14 अगस्त 1947 होता है तो काफ़ी यहाँ पे रश होता है और ये पूरा भरा हुआ होता है और यहाँ बहुत ही लोग एंजॉय करते हैं। ये सामने कायदे आजम की मज़ार देख रही है, हम उस तरफ चलते हैं आपके पास। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो तारीख का धारा बदल लेते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल लेते हैं। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी जदोजहद करने के बाद जो पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क बना के दे दिया मुसलमानों को 1947 की जंग 1947 14 अगस्त 1947 को जो हुआ था उसके बाद। तो ये हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं कायदे आजम की मज़ार की तरफ। ये देखें कितना यहाँ से खूबसूरत लुक लग रहा है और यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ये देखें चारों तरफ कितना ही कितना खूबसूरत लग रहा है। ये तो अभी दोपहर का टाइम है, अगर जैसे आप शाम को आएंगे तो शाम को और काफ़ी मज़ा आएगा। ये अभी ऊपर हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, बिल्कुल सीधा कायदे आजम के मज़ार की तरफ आपको दिखाएँगे। वहाँ पर अंदर एक अलग ही जो एक दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं ना, तो वो उनके आने पे वहाँ पे एक सुकून ही महसूस होता है। तो कायदे आजम ने सबके लिए सोचा, सबके लिए मतलब जदोजहद की। और यहाँ पे लियाकत अली खान की भी मज़ार है। यहाँ पे हम जूते देंगे और जूते की फिर ये रहे जूते हम देंगे इनको और यहाँ से हमें पर्ची मिलेगी, 20 रुपये टिकट लगी यहाँ पे जूते रखने की। उसके बाद फिर हम ऊपर जाएंगे कायदे आजम की मज़ार की तरफ। ये देखें बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आ रहा है। यानी ये पाकिस्तान का परचम।
ये हम कायद आजम की मज़ार के अंदर के मौजूद हैं। ये देखते हैं अभी यहाँ से हम लिफ्ट लेके या लिफ्ट के ज़रिए जा सकते हैं, वैसे भी जा सकते हैं। नीचे जाएंगे कायद आजम के म्यूज़ियम में, जहाँ पे कायद आजम की पुरानी काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं। अभी हम चलते हैं नीचे की तरफ। तो ये याकत अली ख़ान के मज़ार है यहाँ पर। तो यहाँ से हम जाएँगे अंदर म्यूज़ियम के अंदर। ये रे म्यूज़ियम, ये जो कायद आज़म मोहम्मद अली जना अपने दौर के दौर में ये गाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे, आज इनके काफ़ी डिमांड है। ये म्यूज़ियम है कायद आज़म मोहम्मद अली जना के, काफ़ी हिस्ट्री यहाँ मौजूद है, काफ़ी चीज़ें आपको दिखाई मिल जाएंगी। बाकी आप खुद आएंगे विज़िट करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी, क्या है क्या नहीं पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी ये उनके दौर में। अभी हम चलते हैं नीचे की तरफ। ये याकत अली ख़ान के मज़ार है यहाँ पे। तो यहाँ से हम जाएंगे अंदर म्यूज़ियम के अंदर। ये रे म्यूज़ियम, ये जो कायद आज़म मोहम्मद अली जना अपने दौर के दौर में ये गाड़ियाँ इस्तेमाल करते थे, आज इनके काफ़ी डिमांड है। ये म्यूज़ियम है कायद आज़म मोहम्मद अली जना के, काफ़ी हिस्ट्री यहाँ मौजूद है, काफ़ी चीज़ें आपको दिखाई मिल जाएंगी। बाकी आप खुद आएंगे विज़िट करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी, क्या है क्या नहीं पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी ये उनके दौर में गाड़ी इस्तेमाल करते थे कायद आज़म मोहम्मद जना खुद, ये भी और ये भी दोनों। ये देखें
आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में और नई एक जगह पर। तब तक दीजिए इजाज़त अपने आकिब मिस्टर आकिब को। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नए वीडियो में।